केवल युवाओं के प्रतीक नहीं, लेकिन जन जन की आकांक्षा जिन पर निर्भर है। आदरणीय राहुल गांधी जी मंच पर आसीन, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और सबसे महत्वपूर्ण आसपास के प्रदेश और देश भर से आए हुए ये आवाम जो एक संदेश को देना चाहते हैं पूरे देश को कि बदला नहीं लेकिन बदलाव जरूरी है। हिंदी फिल्म तो हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन जब हिंदी का फिल्म अगर रियल लाइफ पे तब्दील हो जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? स्थिति यह उत्पन्न होगी कि कुछ दृश्य ऐसे होंगे कि युवा बेरोजगार है, किसान कर्जदार है, गरीब लाचार है, घरेलू उत्पादन का दर 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 तक गिर रहा है। व्यापार पर तालाबंदी का ठोक लग चुका है और बैंक घोटालों पर गरीबों का पैसा चंदे के आधार पर वसूला जा रहा है। और अगर ये फिल्म का दृश्य है तो फिल्म के दृश्य के साथ उस फिल्म का शीर्षक भी है, और उस फिल्म का शीर्षक है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। आज देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान दर दर के ठोकरे खा रहा है। किसान को दाम नहीं मिल रहा, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, आम इंसान को जिंदगी जीने के लिए आसार नहीं मिल रहा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अच्छे दिन आज कच्चे साबित हो चुके हैं। किसान को खुशहाल करने का ख्वाब किसान को आज देश में कुचल रहा है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइल में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देश के अन्नदाता पेड़ों से लटक के सो रहा है, अच्छे सपने के दिन देख बस बेबस होकर रहा देख रहा है। ये आगाज सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में आवाज जाए और अब बदलाव की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।